बीजेपी कांग्रेस आप जो देगा सब लेना है और जयराम जी को वोट देना है। अरे वाह, मतलब इस बार खेला होगा? हाँ, खेला पूरा होगा। अब गांव में जोहार। जोहार, क्या नाम होता? सरिता देवी। बाप रे, पूरा आवाज तो बुलंद लग रहा है। अच्छा ठीक है, काके वोट दे? हम लोग हेलमेट छाप में वोट देंगे। आप दीजिए के अगर आपके गांव वाले किसको दे रहे हैं? पूरा गांव सोच रहे हैं कि हेलमेट छाप को अपना जो हम लोग को कमल को छोड़िए, हटाइए कमल, अब पीछे चल जाएगा, कीचड़ में फिरता है, कीचड़े में रहेगा वो। अरे हथुआ जी कांग्रेस में नहीं? हाँ तो टूट जाएगा सर। अरे वाह, इस बार देवेंद्र नाथ महतो का ये बोलबाला चल रहा है जहाँ। नमस्कार आदाब, आप सभी देख पा रहे होंगे हम रांची लोकसभा क्षेत्र के कांके विधानसभा पड़ता है ना, कांके विधानसभा के ये हुटू क्या बोल गया चुटू गाँव में है। और यहाँ पे कुछ दीदी यहाँ देखिए अभी इकट्ठा हुए, रात के भी 9-10 बज रहे होंगे, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का अभी माहौल क्या चल रहा है, एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दीदी जोहार। जोहार। आपका नाम क्या है? सुशीला देवी। सुशीला देवी, अच्छा यहाँ पे इस बार 25 मई को चुनाव है, पता है ना आपको? हाँ, 25 तारीख का चुनाव है। हाँ, पता है। तो वोट दे जावे कि नहीं जावे? जावे कि कैसे नहीं जावे? जावे। तो काके वोट देवे तभी बार हेलमेट छाप में। छाप में, तो आपके आपके अगल बगल क्या चर्चा चल रहा है किसको वोट देने का? हेलमेट छाप में। हेलमेट छाप में चर्चा चल रहा है, ठीक है। और कुछ दीदी हम जानने का प्रयास करेंगे। दीदी जोहार। जोहार, क्या नाम होता? सरिता देवी। बाप रे, पूरा आवाज तो बुलंद लग रहा है। अच्छा ठीक है, काके वोट दे? हम लोग हेलमेट छाप में वोट देंगे। आप दीजिए के अगर आपके गांव वाले किसको दे रहे हैं? पूरा गांव सोच रहे हैं कि हेलमेट छाप को अपना जो हम लोग को माय माटी का बात करता है हम लोग उसी को इस बार वोट देंगे। और पूरा अथी रांची विधानसभा क्षेत्र में जो अथी संजय सेठ है उनको अगर एथी करके दिखाना है कि हम लोग झारखंड में कितना एकता है, हम लोग अपना एथी को वोट देंगे। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। जोहार। जोहार, का नाम हो? मुस्कुराती माने इबार के कोनो चर्चा चलो त का वोट का के वोट देबे इबार? हेलमेट छाप। हेलमेट छाप वोट देबे? काहेले वोट देबे हेलमेट छाप? देवेंद्र महतो के जिताबे के हेलमेट छाप में कौन लगे? हेलमेट को देखी है? हां अच्छा है, आप देवेंद्र महतो है, गांव महतो गांव है, तो महतो महतो को वोट दीजिएगा। हां तो बाहरी को भगाएगा? हां, कैसा कर रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं? ठीक है, और कुछ दादा है हम बात करने का प्रयास करेंगे। जोहार। जोहार। जोहार, कहाँ नाम होता? वीरेंद्र कुमार महतो। आप यहाँ लोकसभा चुनाव में यहाँ पे रांची लोकसभा में 25 मई को है, तो क्या लग रहा है इस बार आपके गाँव वाले क्या सोचे हैं? सब सोचे हैं, गांव वाला सोच रहा है कि इस बार अलग अलग नया चेहरा युवा जयराम महतो को बनाया जाएगा। मतलब लोकसभा। हाँ, मतलब रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो खड़े हैं। हाँ, मतलब क्या देवेंद्र नाथ महतो को आपके गांव वाले क्या पसंद करेंगे इस बार? सब पसंद कर रहे हैं इस बार देवेंद्र नाथ महतो का ये बोलबाला चल रहा है जहाँ तक कि अभी पता है बीजेपी और कांग्रेस का कहीं कोई ये नहीं दिख रहा है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस वाले आपके गांव आएंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग? स्वागत कीजिएगा? नहीं, स्वागत क्यों करें, कुछ किए ही नहीं है, पर्सनल आदमी को ही किए हैं, बस जिसका चेहरा जानते हैं उसी को, बस तो वैसे आएंगे जाएंगे खाली रास्ता पकड़ के अपना। अच्छा, आपके गाँव में 5 साल के दरमियान कुछ आपके गाँव में काम हुआ है? कुछ क्या होगा, जो है सिंपल सी बात है, नाली देगा तो नाली तो ऐसे ऑलरेडी बनबे करता है, जानबे करते हैं नाली या छोटा मोटा रास्ता, उससे काम थोड़ी चलने वाला है। अच्छा, पढ़ाई लिखे किए हैं जी? हाँ किए हैं। कितना तक पढ़े हैं? इंटर तक। इंटर तक किए हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है कि आपको नौकरी वोकरी का कुछ लग रहा है कि हो जाएगा? नहीं नहीं, कहीं नहीं, वैसा नौकरी का कोई संभावना ही नहीं है। अभी JPSC का देखे आप, CGL का पेपर लीक हो गया, सुने थे ना? हाँ हाँ सुने। क्या लग रहा है आपके नौकरी होगा इस प्रकार से? नहीं नहीं नहीं, देख रहे हैं कि अभी तो सब चीज का पहले पेपर लीक हो जाता है, जितना भी अभी एग्जाम चल रहा है, जो इसका आवाज उठाते हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है, जैसे कि देवेंद्र नाथ महतो को जेल में डाल दिया गया कि मतलब आवाज उठा रहे थे युवा झारखंड के। आपको अभी घर से उठाया जाएगा, बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, आपको घर से उठाया जाएगा, क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, जाएंगे लीडर होके, अभी किसी को भी उठा सकता है बीजेपी के बारे में जो बोलेगा ना, बीजेपी के बारे में घरे से उठा रहा है जी? नहीं तो ऐसे डरना थोड़ी है, जेल है तो जेल से जाना आना का बातें है, जैसे थाना में जाता है, थाना
जैसे जेल भी है तो जेल जेल का भी मतलब पुलिस प्रशासन का नहीं डरते हैं? नहीं डरते हैं। काहे जी ऐसे काहे डरिएगा? जेल जाके कुछ गलत कीजिएगा तब ना डरेंगे। विरोध में बात कर रहे हैं तो वो तो विरोध तो करना ही है। दल बदल क्यों रहता है? विपक्ष पक्ष ठीक है ज्यादा है बात करें। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम संजय कुमार माते हुए। क्या लग रहा है इस बार रांची विधान रांची लोकसभा में क्या क्या होगा? क्या खेला होगा? बहुत खेला होगा। हमारे गांव में जितने भी नवयुवक लड़का है और हमारा मतलब जितने भी कांके विधानसभा में जितने भी नवयुवक लड़का है और इस बार जो हम जयराम माथो जी हम लोग का नवयुवक यंगस्टर जो है जो हम लोग का इतना यंग है और हम लोग के बारे में जो अब नौकरी के बारे में भी हम लोग भी बहुत सारा बेरोजगार बैठे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हो सकता है हम लोग को विचार है और हम लोग को लगता है कि जयराम माथो जी हम लोग को नौकरी देंगे। और इतना दिन से देखते हुए आ रहे हैं कि जितना भी लोग क्या बोलते हैं नौकरी उकरी में बहुत ओबीसी को नौकरी उकरी कहीं हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक कहीं नहीं हुआ। कहे कि सरकार नौकरी नहीं दे रहा है? सरकारें कैसे नहीं देती है लेकिन बात है कि उसमें जो हम लोग का जो ओबीसी का परसेंटेज जो है थोड़ा हाई लेवल है उतना हम लोग अगर कभी हम लोग का किसान है हम लोग कभी खट के खुट के आते हैं तो उतना सा नहीं कर पाते हैं अपना परसेंटेज। अभी एसटी ओबीसी को जितना एसटी को जितना आरक्षण मिलता है उतना ओबीसी को नहीं मिल पाता है बहुत सारा है। और कुछ दादा हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ नाम है दादा आपका? दिनेश महतो। दिनेश महतो इस बार क्या सोचे हैं रांची लोकसभा में कुछ खेला होने वाला है क्या? कुछ खेला नहीं करना है। खेला करना है। खेला करना है तो दादा आंसू का गंजी पहने हैं? अरे आंसू का गंजी तो ये तो मिल जाता है तो पहन लेते हैं। क्या आंसू का आदमी है क्या जी? नहीं आंसू का नहीं। किसके आदमी लग रहा है? लग रहा है कि आंसू का भक्त है? आंसू का भक्त नहीं है मान के चलिए कहीं पर बैठक उठक हुआ तो वहाँ मिल गया तो पहन लिए। अच्छा हाँ। मतलब आंसू मतलब विपक्ष चला जा, मतलब बीजेपी कांग्रेस आंसू जो देगा सब लेना है और जयराम जी को वोट देना है। अरे वाह मतलब इस बार खेला होगा? हाँ, खेला पूरा होगा। अब गांव का नाम क्या बता दीजिए? चुट्टू। चुट्टू तो चुट्टू के आदमी या पब्लिक आप लोग पब्लिक जो है तो क्या सोच रहे हैं इस बार जयराम महतो को या यहाँ देवेंद्र महतो जी खड़े हैं उसको क्या विजयी बनाएंगे आप लोग? हाँ देवेंद्र जी तो निकल जाएंगे यहाँ से। कैसे जेल में है? जेल में तो निकलेंगे क्या दिक्कत है? जेल में तो वहीं भी तो घर है उनका आना जाना रहता है। अच्छा बस और क्या करना है। ठीक है। और यहाँ के महिलाओं के बारे में महिलाओं लोग क्या बात करते हैं चुनाव क्या लग? महिला लोग तो देखिए महिला लोग तो देवेंद्र जी को देख रहे हैं वो बहुत जगह बात हो रहा है कि महिला से भेंट होता है तो बोलते हैं कि नहीं इस बार 1932 खतियान लागू होना चाहिए और जयराम जी को वोट देना चाहिए और जिताना चाहिए। महिला सब कहीं सब गठबंधन कर रहा है अपना नीति कर रही है। हाँ अच्छा तो आपके गांव में कितने यहाँ का पॉपुलेशन है मतलब जनसंख्या कितना? जनसंख्या कितना होगा सर? लगभग 400-500 होगा। 400-500 हाँ 400-500 होगा इतना। अच्छा आपके गांव में संजय सेठ कभी आया है? संजय सेठ आते हैं? कहियो नहीं आते हैं सर। मतलब पांच साल पहले जब वोट मांग के गया और नहीं आए? आबे नहीं आता आके सीधे पार हो जाएगा इधर उधर पार हो जाएगा यहाँ रुकबे नहीं करता। कभी मिले हैं बात किए हैं संजय सेठ से? ना हाँ तो रामनवमी में बात हुआ था तो क्या बात हुआ था पहले अपना अधिकार के लिए आया होगा वोट मांगने के लिए समझे। ठीक है दादा जोहार। और कुछ मेरे चैनल के माध्यम से कुछ जनताओं को संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे सब अपना अपना संदेश तो दिए रहे हैं तो आप क्या बोलना चाहेंगे झारखंडियों के लिए? क्या बोलेंगे हम तो बोल रहे हैं कि 1932 खतियान लागू करें और देवेंद्र जी को भारी मतों से विजय मनाए। वो तो ठीक है मतदान करने के बारे में मतदान के बारे में कुछ बोलिए। मतदान जो भी हेलमेट छाप है 24 नंबर है सीरियल नंबर देखिए और बटन दबाइए और हेलमेट छाप को वोट दीजिए। कमल कमल को छोड़िए हटाइए कमल अब पीछे चल जाएगा कीचड़ में फिलता है कीचड़े में रहेगा वो। अरे हाथुआ जी कांग्रेस में? हाँ तो टूट जाएगा सर। अरे वाह तो इस बार बाहरी को भगाना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ तो क्या करेंगे साला हम लोग बेरोजगार रहेंगे बाहरी सर यहाँ के घुसल रहेगा तो नहीं रहने दीजिएगा? नहीं कहे रहेगा यहाँ जैसा आया वैसा चल जाएगा अपना बढ़िया वस्त्र उठा के चल जाएगा। हाँ। सकिएगा भगाने? कैसे नहीं सकिएगा जीतेंगे तो सकेंगे ही भगाने। कैसे सकिएगा जिताएगा तब ना तो जीती अब कोशिश तो है सर जिताने का। आप देखिए अब रिजल्ट क्या होता है। तो आप लोग को उम्मीद है पूरा कि इस बार जीत जाएगा? हाँ उम्मीद तो, भगाएगा। हाँ तो क्या करेंगे तो हम लोग खतियान 1932 का हम लोग यहाँ रहे। आप लोग को जो नौकरी मतलब नौकर का नौकर जैसे मानते हैं क्या? हम लोग को तो नौकर बना दिया है वो लोग।
तो आप लोग वोट देते हैं तभी ना? हाँ तो वोट तो आप देखिए जयराम दा तो नहीं थे पहले, अब आए हैं तो जयराम जी जगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जाग चुके हैं। हाँ जाग चुके हैं। और इधर रात है, सोइएगा नहीं? अरे तो रात है तो खाना वाना खाएगी ना? पता है खा लिए हैं। क्या सब्जी? अरे आलू भुंजिया दाल कहाँ मिलेगा अभी, कम मटन उठन ले। ठीक है ठीक है ठीक है जोहर। और एक चीज बता दीजिए, कब वोट जानते हैं? 25 तारीख। 25 तारीख कौन छापे वोट दीजिएगा? हेलमेट छाप में सर। ठीक है धन्यवाद।